अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर बैठे हुए मोहतरम बुजुर्ग जनाब हकीम साहब और यहाँ पर बैठे हुए भाई जी, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को लड़ दिया था, सुना है पक्षियों से मैंने, वो शेर फिर बेदार होगा। प्रधान ग्रामीण, जिस तरह सलावुद्दीन अयूबी ने सहराओं से निकलकर यूरोप पर अपनी हुकूमत कायम की थी, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर सलावुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की हर रियासत में अपने उम्मीदवारों को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे और मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, तो मैं आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीख बताता चलूँ। 1958 में जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आइडिया अमल में आया, उस वक्त हैदराबाद निज़ाम रटक के हालात क्या थे। जब वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आपने देखा जिस तरह की बर्बरियत से हैदराबाद तरीदान दक्कन के मुसलमानों को कत्ल व गारतगिरी की गई। हैदराबाद से लेकर नांदेड़ तक, नांदेड़ से औरंगाबाद तक मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। पुलिस एक्शन के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया गया। मेरी माँ और बहनों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए बोलियों में कूद कर अपनी जान दे दी। ये हिंदुस्तान की बदतरीन तारीख है जिसमें तकरीबन 2 लाख मुसलमान जान बहुत हुए। उसके बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने रियासत आंध्र प्रदेश में इंतखाबात करने का फैसला किया और मोहतरम अब्दुल वाहिद अवैसी मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए सबसे पहले इलेक्शन लड़वाया और उनकी दूरंदेशी का नतीजा था कि उसके बाद अलहाज सुल्तान सलावुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में शाखों को कायम किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, उनकी बढ़ावा बहबूद के लिए उनके होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और पार्लियामेंट में जब वो बोलते थे तो पार्लियामेंट गरजती थी। उसके बाद उनके दोनों पुत्र अलहाज बैरिस्टर सलावुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कमान संभाली और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पहुंचाया। तो आपने देखा तो मैं हमारी पार्टी यहाँ के उम्मीदवार जनाब शाहबाज हुसैन मेराज साहब ने जब 2014 में इंतखाब लड़ा तो यहाँ पर उन्होंने जो तरक्याती काम अंजाम दिए हैं ये आपके सामने है। आपने देखा जिस तरह से एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली को तरक्की दी गई, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये मेरा साहब का कारनामा था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल को तरक्की दिलवाई। उसके बाद हेल्थ के लिए उन्होंने न्यू ओवर हॉस्पिटल के जरिए बुनियाद रखाया, नई इमारत का, और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत से काम किए। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारनामे डेवलपमेंट पर है और दिल्ली से लेकर बलदिया तक, बलदिया से लेकर असेंबली तक, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपकी आवाज़ को उठाया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके कंट्री के मसाइल को हल किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी मोरियों के, आपकी बंदी मसाइल को बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बड़ा कारनामा किया, जिसमें हमारे MLA जाफर हुसैन मेराज को तेलंगाना के 119 असेंबली हल्कों के MLA में से तीसरा मुकाम आप तरक्की में जो है हल्के असेंबली नामपल्ली को दिया गया। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह बात आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में शायरी हुई कि जो है 119 असेंबली हल्कों में से नामपल्ली हल्के तरक्की की कामों और फंड को इस्तेमाल करने में 3 नंबर पर था। आज सबके जाफर हुसैन मेराज जो आपके रुकन असेंबली थे और आज इंतखाबात में आपके सामने इंतखाबात कर रहे हैं, यशोदा हॉस्पिटल में उनका बेटा मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको जो है कोमा में जाने का शक होगा और उसको वेंटिलेटर लगाया गया है और गुर्दे की जो है ट्रांसप्लांट हुआ। मैं आप लोगों से और सुनने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जाफर हुसैन मेराज के बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे सेहत आप करे, अल्लाह जल्द से जल्द उस पर शिफा अता करे और उनके घर वालों को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपको मैं बताता चलूँ, हिंदुस्तान में जदीदी मोहसिन सिंह के नाम पे कत्ल हुआ,
कभी अफराद का कत्ल हुआ, फिर महाराष्ट्र में कभी दलित भाइयों को कत्ल किया गया, जो है उस पर किसी ने हिंदुस्तान में आवाज नहीं उठाई। महाराष्ट्र में जब मेरे चार दलित भाइयों का कत्ल किया गया था तो उस वक्त हिंदुस्तान के किसी दलित तंजीमों ने, ना किसी कांग्रेस ने, ना भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में हम दलित भाइयों के लिए आवाज उठाई तो मेरे भाई बैरिस्टर दीन अवेसी ने उठाई। उसके बाद हिंदुस्तान के तमाम मसाइल को, चाहे वो गांव कशी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कत्ल हो, चाहे बिहार में गांव कशी के नाम पर कत्ल हो, मानवीय के नाम से कत्ल हो, या मुसलमानों को डराया धमकाया गया हो, उसकी आवाज सिर्फ हिंदुस्तान में उठाने वाला पार्लियामेंट में अपनी आवाज से आप लोगों के लिए नुमाइंदगी की, कभी हिंदुस्तान के अदलिया में आप लोगों के लिए हिफाजत के लिए आपके ट्रिपल तलाक के मामले को लीजिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तेलुगुदेशम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में थे, लेकिन उनकी आवाज तो सांप सूंघ गया था। उस वक्त ये मर्दे मुजाहिद था बैरिस्टर कौरुद्दीन अवेसी, जिसने ट्रिपल तलाक के नाम पर आवाज उठाई। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को उन्होंने साफ तौर पर पार्लियामेंट में और बाहर कहा कि वो जो नरेंद्र मोदी जो अपनी बीवी को हक नहीं दे सकता, वो मुसलमान मेरी बहनों को क्या हक देगा। अगर दुनिया में कोई मजहब मुसलमानों औरतों को उनका हक दिलाता है, उनकी हिफाजत करता है, तो वो इस्लाम है। इस्लाम ने मुसलमान औरतों को उनका हक दिया और उनका जायज मुकाम किसी ने अदा किया तो वो इस्लाम है। और आज ये तरह तरह की बातें कर मुसलमान औरतों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जिस वक्त तेलुगु देशम पार्टी 1914 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की, उस वक्त में तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का माइनॉरिटी सेल का सदर था। जब उस रात को 2014 में इंतखाबात की तैयारियां चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू ने मुझे बुलाकर कहा कि नैनपल्ली का टिकट का हम ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ऐलान कर रहे हैं। मैंने फौरी तौर पर हिंदुस्तान के 20 करोड़ और आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों की इज्जत और नफ्स के लिए मैं और मेरे साथियों ने मजलिस तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही हमने इस्तीफा दिया, तेलुगु देशम पार्टी को एक मुसलमान मक्कार, एक मुसलमान गद्दार, एक मुसलमान मुनाफिक की जरूरत थी। उस वक्त कांग्रेस का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद फिरोज खान को बुलाया गया। जब फिरोज खान उनसे मिला तो तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने उनसे कहा कि हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी से हो गया है, अगर आपका टिकट होना है तो हम टिकट दे देंगे, क्योंकि मंजिल क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के कई माइनॉरिटी खातिर हमारी जमात से मुस्तादी हो गए, हमें एक ऐसे मुसलमान की जरूरत है। तो फिरोज खान उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ आपके साथ उम्मीदवार बनकर आए, क्योंकि उस वक्त हमने साफ तौर पर कहा था कि हमारा इस्तीफा देने का मकसद, तेलुगु देशम पार्टी छोड़ने का मकसद सिर्फ यही था कि गुजरात में 2002 का जो कांड हुआ, गुजरात में जो गोधरा का वाकया हुआ, गुजरात में जो कत्लेआम हुआ, वो 10,000 मुसलमानों की रूहें हमें पूछेगी, इसीलिए हमने गुजरात के मुसलमानों की खातिर मैंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और फिरोज मोदी ने उसको फौरी कबूल करते हुए आपके सामने उम्मीदवार बन गए। 2009 के इंतखाबात को आप देखेंगे तो फिरोज खान ने यहाँ से नामपल्ली से मुकाबला किया, और जब वो चिरंजीवी की पार्टी से प्रजा राज्यम से आपके सामने तशरीफ लाए और आपके साथ इंतखाब लड़ा तो उन्होंने मजलिस पर भी तनकीद की, उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को फिरकापरस्त पार्टी कहा। जिस वक्त वो तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऐलान पर 2014 में इंतखाबात लड़े तो उन्होंने कांग्रेस को कहा ये वो कांग्रेस है जो मुसलमानों की कमी के जिम्मेदार है और हिंदुस्तान में जितने भी फसादात हुए हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। लेकिन वही फिरोज खान आज आपके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार बन के आज यहाँ पर आया है। तो आप जरा सोचिए, जो आदमी 2009 में आपके लिए प्रजा राज्यम का उम्मीदवार था, जो आदमी 2014 के इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, वही आदमी आज महागठबंधन का उम्मीदवार बनकर आया। इसने 2014 में कांग्रेस को गाली दी, 2009 में तेलुगु देशम को गाली दी। आप जरा सोचिए आज जो है किस तरह से मुस्लिम को नाकाम करने के लिए साजिशें रच रही है। ये इलेक्शन सिर्फ आपका नामपल्ली का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन में एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि हल्के संबली नामपल्ली सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है और
की ये रिपोर्ट है कि आने वाले इंतखाबात में मंजूर मुस्लिम का उम्मीदवार जो है सिकंदराबाद पार्लियामेंट जीतेगा, इसीलिए नामपल्ली में जो साजिशें रखी जा रही है। अब आपके सामने पार्टी के सदर यहाँ पर मौजूद आ चुके हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।